हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एलटीआई माइंडट्री के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 3 अक्टूबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलटीआई माइंडट्री में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 1.05% का नेगेटिव मूव 5209.85 पे हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन यानी कि ट्यूजडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के यानी कि फ्राइडे क्लोजिंग के बेसिस पर ट्यूजडे को हमें क्या देखने मिलना है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल साइज की यहाँ पे जो है बॉडी बनी है। दो नीचे के साइड में बड़ी से ऊपर के साइड में छोटी सी विक देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई 40-41 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूव जो हमें 50-80 के आसपास देखने में उसको भी क्रॉस कर दिया इजी मूव हमें 49-44 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं मंडे की यहाँ पे ट्यूजडे के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्केट डिफरेंट डेटा बना उसको मैं मार्क करके रख देता ताकि बीच में कभी भी हम स्टॉक का एनालिसिस ना भी लें तो भी आपके पास हमारा दिया हुआ डेटा होगा जिसकी मदद से आप अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो ले सके। बाकी यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ क्लोजिंग की, 5205 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 5199 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 5222 का। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उससे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 5175 का, उसके बाद क्या है 5128 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 5268 का, उसके बाद क्या है 5303 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे ट्यूजडे के लिए कहूँ मेरा ओपिनियन जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव ओपनिंग का है, गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिल सके, फिर रिवर्सल में हमें स्टॉक आते देखने मिल सके। लेकिन एक्सपेक्टेशन जरूर यहाँ पे 5222 से लेकर 5268 के रेंज में पॉजिटिव साइड की है, यानी कि इस रेंज में हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिल सकती है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है यहाँ पे ट्यूजडे के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।